हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू द प्लेटफॉर्म पीएसपी। लास्ट लेक्चर हमने देखा था कि कैसे कॉन्वेक्स लेंस और उसके रेडाग्राम्स का फॉर्मेशन होगा। आज हम देखेंगे कॉनकेव लेंस और उसके रेडाग्राम्स। ठीक है, तो रूल्स क्या क्या हैं कॉनकेव लेंस के फॉर्मेशन के, ये तीन रूल्स हैं, इनके हेल्प से आप कॉनकेव लेंस के डायग्राम्स फॉर्म करेंगे। ठीक है, पहला रूल क्या कहता है आपका, कोई भी लाइट अगर आपकी सीधी आ रही है, पैरेलल आ रही है, तो वो ऐसे डाइवर्ज हो जाएगी। क्या आपको पता है कॉनकेव लेंस क्या है? डाइवर्जिंग लेंस होता है। ये डाइवर्जेंस किसके बेस्ड पे होगा? ये होगा फोकस से। हमने पढ़ा है कोई भी लाइन अगर पैरेलल आती है तो फोकस से पास होती है, क्योंकि फोकस से पास होती है तो वो आगे वाले फोकस से पीछे वाले फोकस पर नहीं पड़ता। ठीक है, तो डाइवर्ज हो गई, कहाँ से पास हो रही है लाइन? फोकस से पास हो गई, थोड़ा सा इसे एक्सटेंड करेंगे तो। दूसरा है आपका, अगर मान लो आपकी कोई भी लाइन यहाँ से आ रही है, ठीक है, ये दूसरी लाइन आपकी यहाँ से आ रही है, ठीक है, अब यहाँ से लाइन अगर आ रही है तो वो क्या करेगी, आपकी सीधी पैरेलल जाएगी। ठीक है, क्योंकि ये फोकस पर आ रही है तो फोकस से कोई लाइन आती है तो पैरेलल जाएगी। तीसरा सेंटर आपका बनता है ऑप्टिकल सेंटर, ये हमने पढ़ा है, अगर ऑप्टिकल सेंटर से कोई भी लाइट आ रही है तो वो यहीं से पास हो जाएगी। इस तरीके से तीन रूल्स हैं इसके कॉनकेव लेंस के। पहला अगर ऐसे आ रही है तो डाइवर्ज हो जाएगी, दूसरा अगर डाइवर्ज आ रही है तो पैरेलल हो जाएगी, तीसरा ऑप्टिकल सेंटर से आए ऑप्टिकल सेंटर से पास हो जाएगी। अब इसके केस में दो डायग्राम्स बनते हैं, पहला अगर ऑब्जेक्ट आपका इन्फिनिटी पर है, दूसरा अगर ऑब्जेक्ट आपका इन्फिनिटी और आपका ऑप्टिकल सेंटर के बीच में है। ठीक है, ऑब्जेक्ट इज इन्फिनिटी और बिटवीन इन्फिनिटी एंड ऑप्टिकल सेंटर। अब यहाँ पर डायग्राम बनेगा आपका इन्फिनिटी पर है, मान लो आपका ऑब्जेक्ट यहाँ पर है, ठीक है, ऑब्जेक्ट है आपका, तो लाइन पैरेलल जा रही है, दो पैरेलल लाइंस आ रही हैं, पहली आपकी ऐसे डाइवर्ज हो जाएगी, दूसरी आपकी ऐसे डाइवर्ज हो जाएगी, और डाइवर्ज हो जाएगी ऐसे। ठीक है, एक्चुअली में पीछे क्या करेंगे, वो फोकस पर मिलती दिखाई देंगे। ठीक है, तो जो आपका इमेज फॉर्मेशन हो वो कहाँ पर हुआ? पीछे की तरफ फोकस पर हुआ, तो इमेज कहाँ बनी? एट एफ वन पर बनी, वर्चुअल इरेक्ट बनी। ठीक है, और पॉइंट साइज क्या होगा? वो छोटा होगा। दूसरा क्या है आपका, ऑब्जेक्ट जो है आपका इन्फिनिटी और ऑप्टिकल सेंटर के बीच में है, तो आपका जो इमेज है, मान लो आपका ऑब्जेक्ट यहाँ पर रखा है, ठीक है, ऑप्टिकल सेंटर इन्फिनिटी के बीच में रखा है, अब आपने क्या किया, सीधी लाइट गई, और छोटा बना लेता हूँ, यहाँ पर है तो लाइट सीधी गई और डाइवर्ज हो गई। डाइवर्ज होने के बाद ये कहाँ से पास करेगी? यहाँ से डाइवर्ज हो गई। ठीक है, यहाँ से पीछे की तरफ अगर हम इसे एक्सटेंड करेंगे तो ये फोकस पर आ रही होगी। दूसरा हमें पता है कि अगर ऑप्टिकल सेंटर से हम पास करेंगे तो ऑप्टिकल सेंटर पर वापस आ जाएगी। तो देखा जाए कि यहाँ पर दो लाइन मीट हो रही है यहाँ पर इस जगह, तो यहाँ पर क्या बन जाएगा, ए डैश और बी डैश, यानी इमेज का फॉर्मेशन आपका यहाँ हो जाएगा। इमेज कैसी होगी? डिमिनिश यानी स्मॉल साइज होगी, वर्चुअल इरेक्ट होगी, और कहाँ बनेगी आपकी? बिटवीन एफ और ओ के बीच बनेगी। ये आपका एफ है विच इज फोकस, ये क्या दो एफ वन और ओ के बीच बनेगी, विच इज एफ वन एंड ओ, इसके बीच में आपकी क्या बनेगी? इमेज बनेगी, वर्चुअल इरेक्ट इमेज बनेगी। ठीक है, तो हमने कवर कर लिया कॉन्वेक्स लेंस और उसके रेडाग्राम्स और कॉनकेव लेंस और उसके रेडाग्राम्स। ठीक है, आगे हम इसमें आपके पूरे 16 रेडाग्राम्स हैं, इसमें से 6 रेडाग्राम्स आपके कॉनकेव मिरर के हैं, 2 आपके कॉन्वेक्स मिरर के हैं, 6 आपके कॉनकेव लेंस के हैं और 2 आपके कॉन्वेक्स लेंस के हैं। ये 16 रेडाग्राम्स आपके इंपॉर्टेंट है, आप इनकी प्रैक्टिस करें, कॉपी से याद करें, कॉपी में लिख कर याद करें, और ये डायग्राम्स आपके पेपर में पूछ ले जाते हैं, कभी इनडायरेक्टली पूछ ले जाते हैं, लाइक कभी कभी आपसे इमेज के 3 प्रॉपर्टी पूछ ली जाती है, ये केस स्टडी केस बेस्ड स्टडी क्वेश्चंस में आ जाते हैं, न्यूमेरिकल्स फॉर्म हो रहे हैं इनके ऊपर वो हो जाते हैं। ठीक है, तो ये डायग्राम्स काफ़ी इंपॉर्टेंट है, आप इन्हें अच्छे से याद करें। ठीक है, तो आगे नेक्स्ट पेज पर हम देखते हैं इसका लेंस फॉर्मूला और मैग्निफिकेशन के बारे में। चलिए अब स्टूडेंट्स देखते हैं नेक्स्ट पेज पर। तो चलिए स्टूडेंट्स आगे देखते हैं, आगे हमारा नेक्स्ट टॉपिक है वो है लेंस फॉर्मूला। लेंस फॉर्मूला क्या है आपका? 1/v - 1/u = 1/f। वहाँ हमने देखा था लेंस फॉर्मूला 1/v + 1/u था। ठीक है, यहाँ वो मिरर फॉर्मूला था, यहाँ पर माइनस आने से कौन सा फॉर्मूला बनेगा? लेंस फॉर्मूला। दोनों है सेम, पर थोड़ा प्लस माइनस का फर्क है। आगे देखते हैं इसमें वी क्या है आपका? इमेज डिस्टेंस, जो इमेज की डिस्टेंस होगी। दूसरा यू क्या है आपका? ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, जो आपकी ऑब्जेक्ट की और लेंस की दूरी होगी। एफ क्या है? फोकल लेंथ, यानी कि आपकी जो फोकस की और लेंस की दूरी होगी। साइन कन्वेंशन क्या होगा इससे बात कर लेते हैं। साइन कन्वेंशन आपका लेंस में वही होगा जो स्पेरिकल मिरर्स में आपने फॉलो किया था, यानी कि जो स्पेरिकल मिरर में साइन कन्वेंशन था वही सेम यहाँ पर वैलिड है। वहां पर हमने कार्टेशियन फॉलो किया था, जिसमें हमने क्या बोला था कि ये एक्स है, ये एक्स डैश, ये वाई और वाई डैश। अगर आप ऊपर की डिस्टेंस नाप रहे हो यहाँ पर, तो ऊपर की डिस्टेंस क्या आएगी आपकी? पॉजिटिव, यानी हाइट की अगर प्रिंसिपल एक्सिस पर मांगी है, और नीचे की आपने मेजर करी है तो नेगेटिव। ठीक है, इधर आप मेजर कर रहे हो तो विच इज पॉजिटिव, और इधर आप मेजर कर रहे हो विच इज नेगेटिव।
अगर आप ऑप्टिकल, लेकिन यहाँ पर ध्यान रखना है आपको जो आप मेजर करोगे वो ऑप्टिकल सेंटर से करोगे, आप पोल से मेजर कर रहे थे या ऑप्टिकल सेंटर से मेजर करोगे, तो ऑप्टिकल सेंटर के आगे करोगे तो पॉजिटिव, पीछे करोगे तो नेगेटिव। ऑप्टिकल सेंटर जो प्रिंसिपल एक्सिस है उसके ऊपर अगर आप मेजर करोगे तो पॉजिटिव, पीछे से मेजर करोगे तो नेगेटिव। ये सेम कार्टेशियन प्लेन का यहाँ पर आपका एंगल मेंशन वैलिड होगा, ठीक है। इसमें कॉन्वेक्स लेंस का जो फोकल लेंथ है वो देख लेते हैं, वो है ऑलवेज पॉजिटिव, और कॉनकेव लेंस की जो हमेशा आपकी फोकल लेंथ रहेगी वो रहेगी नेगेटिव, ठीक है। आपका मैग्निफिकेशन देख लेते हैं, मैग्निफिकेशन भी लेंस से वही होता है, हाइट ऑफ इमेज और रेशियो ऑफ हाइट ऑफ इमेज टू दी हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट, जो आपकी साइज होगी इमेज की और आपका साइज जो होगा ऑब्जेक्ट का, उन दोनों का जो रेशियो होगा वो क्या कहलाएगा, मैग्निफिकेशन, ठीक है। अब मैग्निफिकेशन का फॉर्मूला एक और है, लेंस में अलग है, लेंस का फॉर्मूला क्या है, वी अपॉन में यू, ठीक है। लेकिन हम देख रहे थे कि उसमें मिरर में क्या होता है, माइनस वी अपॉन में यू होता है, मिरर में यहाँ पर माइनस लग जाता है, ठीक है। लेकिन लेंस में ऐसा नहीं होता, लेंस में वी अपॉन यू है, ठीक है। थोड़ा बहुत फॉर्मूले चेंजेबल है, काफी टफ नहीं है, अगर आप ध्यान रखोगे तो इजीली याद हो जाएंगे। आगे है पावर ऑफ लेंस, एक नया टॉपिक है। इसमें क्या होता है, रेसिप्रोकल ऑफ फोकल लेंथ इन मीटर, जो आपकी मीटर में फोकल लेंथ को अगर आप फोकल लेंथ अगर आप रेसिप्रोकल लो इसमें मीटर में, सेंटीमीटर में नहीं, आपकी फोकल लेंथ यूजुअली किसमें आएगी, सेंटीमीटर में आएगी, चाहे वो आपका ऑब्जेक्ट डिस्टेंस हो गया यू वी, यूजुअली वो सेंटीमीटर में देते हैं, लेकिन आपको उसको मीटर में कन्वर्ट करना है, तब तक आप मीटर में कन्वर्ट नहीं करो पावर नहीं निकलेगी, ठीक है। तो रेसिप्रोकल ऑफ फोकल लेंथ इन मीटर, अगर आप फोकल लेंथ को मीटर में कन्वर्ट करके उसका रेसिप्रोकल करते हो, दैट इज कॉल्ड पावर ऑफ लेंस। पावर ऑफ लेंस का एक और डेफिनेशन है, अगर डेफिनेशन लिखने का आ जाए तो विशुद्ध डिग्री ऑफ कन्वर्जेंस और डाइवर्जेंस ऑफ लाइट रेज इज एक्सप्रेस्ड इन टर्म्स ऑफ पावर। पावर क्यों यूज कर रहे हैं हम, ये पावर की डेफिनेशन क्या एक्चुअली, वो ये है कि कोई भी लाइट रेज अगर आ रही है तो वो कन्वर्ज करेगी या डाइवर्ज होगी। कन्वर्ज मतलब फोकस पे कंसंट्रेट हो जाना, और डाइवर्ज मतलब फैल के चले जाना, या तो वो फैलेगी या कन्वर्ज करेगी, ठीक है। अब दो लाइट रेज आपके पास आ रही है, तो कितनी डिग्री से अगर लाइट रेज अगर कॉनकेव लेंस है तो कितनी डिग्री से लाइट क्या कर रही है, कन्वर्ज कर रही है फोकस पे, और कितनी डिग्री से वो फैल रही है, डाइवर्ज कर रही है, उस डिग्री का जो मेजरमेंट है वो पावर देता है, ठीक है। पावर बताता है कितनी जो लाइट रेज है कितनी डिग्री से आपकी कन्वर्ज हो रही है, और कितनी डिग्री से क्या कर रही है वो डाइवर्ज कर रही है। डाइवर्ज हो रही है तो कितने डिग्री पर हो रही है, और कन्वर्ज कितनी डिग्री पर हो रही है, वही डिग्री आपकी मेजर देगा, क्या देगा, पावर, ठीक है। पावर वगैरह नॉर्मली बोलते हैं आप चश्मे वगैरह लगाते हैं, आप पूछते हैं कितने नंबर चश्मा है तुम्हारा, 3 नंबर 4 नंबर, तो वो यूजुअली कुछ नहीं, पावर ही होता है, चश्मे का जो नंबर होता है, ठीक है। तो पावर का फॉर्मूला क्या है, 1/4 में फोकल लेंथ, फोकल लेंथ किस में होगी आपकी, मीटर में होगी, ठीक है। पावर का फॉर्मूला होता है 1/F। अच्छा, ऐसा यूनिट ऑफ पावर क्या होती है, ऐसा यूनिट ऑफ पावर होती है डायप्टर, इसको हम रिप्रेजेंट करते हैं डी से, ठीक है। और 1 डायप्टर इज इक्वल टू 1/1 मीटर माइनस इनवर्स, मतलब 1 मीटर, क्योंकि आपको पता है वैल्यू से कुछ नहीं होगी, 1 डायप्टर यानी कि 1/F होता है, यानी कि 1/, क्योंकि फोकल लेंथ किसमें लेनी है, मीटर में, तो ये मीटर ऊपर चले गए तो क्या हो गया, 1/1 मीटर इनवर्स हो गया, ठीक है। तो आपका 1 डायप्टर क्या हो गया, 1 मीटर इनवर्स हो गया। ये 1 डायप्टर की डेफिनेशन आ गई, डिफाइन दी 1 डायप्टर ऑफ पावर, या 1 डायप्टर ऑफ ऐसा यूनिट को डिफाइन करो, लिखोगे कि 1 डायप्टर इज द पावर ऑफ लेंस, 1 डायप्टर लेंस की वो पावर होती है जिसका फोकल लेंथ क्या हो, उस लेंस की पावर होती है इसका फोकल लेंथ 1 मीटर हो, जिस लेंस की फोकल लेंथ 1 मीटर होगी उसका पावर 1 डायप्टर होगा, ठीक है। तो ये 1 डायप्टर है। अच्छा, पावर ऑफ कॉन्वेक्स लेंस, जो कॉन्वेक्स लेंस आप लगाते हो उनका जो पावर होता है वो यूजुअली क्या होता है, पॉजिटिव होता है, ठीक है। कॉनकेव लेंस जो आप लगाते हो उनका पावर हमेशा नेगेटिव ही आएगा। सेम चीज हमने देखी थी मैग्निफिकेशन में, कि अगर मैग्निफिकेशन में फोकल लेंथ देखें आप तो पॉजिटिव होती है, कॉनकेव लेंस वो नेगेटिव होता है। तो जाहिर सी बात है, अगर कॉन्वेक्स लेंस का जो फोकल लेंथ है वो पॉजिटिव होगी तो पावर तो उसका रेसिप्रोकल ही होता है, तो वो भी पॉजिटिव होगा। द सेम ये फोकल लेंथ कॉनकेव लेंस की नेगेटिव होती है तो पावर उसका क्या होता है, अपोजिट होता है, यानी रेसिप्रोकल होता है, अपोजिट और रेसिप्रोकल, तो रेसिप्रोकल में साइन थोड़ी चेंज होते हैं। अगर फोकल लेंथ आपका नेगेटिव है तो पावर भी नेगेटिव होगी, तो पावर ऑफ कॉनकेव लेंस विल बी नेगेटिव एज ऑलवेज। दूसरा क्या है, पावर ऑफ कॉम्बिनेशन ऑफ लेंस, कभी कभी आपको 2-3 लेंस को कॉम्बिनेशन दे दिया जाएगा, आप पूछेंगे आपसे इसका पावर बताओ, फोकल लेंथ बताओ, तो पावर कुछ नहीं है, उनका कॉम्बिनेशन क्या होगी, उन सबकी पावर को आप जोड़ दोगे, ठीक है, P1 + P2 + P3, और इसको जोड़ दे, आपको ध्यान रखना है कि पावर अगर आप जोड़ रहे हो तो आप ऐसे भी जोड़ सकते हो, 1/F1 + 1/F2 + 1/F3, इनका अलग अलग निकाल लो आप पावर, और फिर आप जोड़ दो इनको, P1, P2, P+3, ठीक है। तो ये आपका कंप्लीट हो गया, ऑलमोस्ट सारे टॉपिक्स आपके चैप्टर के कवर हो गए हैं, और यहाँ पर हम आपका चैप्टर कंप्लीट करते हैं, और अब आपका इसका एक न्यूमेरिकल देख सकते हो आप पावर का, वो नेक्स्ट पेज पर आपको न्यूमेरिकल दिखाते हैं, चलिए देखते हैं नेक्स्ट पेज पर। तो चलिए स्टूडेंट देखते हैं एग्जांपल पावर ऑफ लेंस का, ठीक है। आपके एनसीईआरटी में क्वेश्चन नंबर 16 है, इसमें क्वेश्चन दिया गया है,
क्वेश्चन का नाम है 16, फाइंड द फोकल लेंथ ऑफ ए लेंस ऑफ पावर माइनस टू डायोप्टर व्हाट टाइप ऑफ लेंसेज। इसे पूछा गया कि फोकल लेंथ क्या होगी जिसका लेंस का जो पावर है वो क्या है, माइनस टू डायोप्टर। तो हमारे पास जो गिवन क्वांटिटीज है वो लिख लेंगे पहले हम। हमें पावर दे रखा है लेंस का माइनस टू डायोप्टर और हमसे पूछा है फोकल लेंथ, ठीक है। और एक और चीज़ हमसे पूछी है उसमें कि टाइप ऑफ लेंस, कि लेंस का टाइप क्या है, यानी कि लेंस जो है आपका कॉनकेव है या कॉनवेक्स है, टाइप लेंस हमें कमेंट करना है। तो हमें फॉर्मूला पता है पावर का क्या होता है, 1/f होता है विच इज इन मीटर, ठीक है। अब यहाँ पर पावर दे रखा है आपका माइनस टू डायोप्टर, 1/f इन मीटर, उसके बाद है माइनस टू को यहाँ रखेंगे 1/f मीटर, ठीक है। इसको अगर आप रेसिप्रोकल करोगे इसका तो ये क्या आ जाएगा, f मीटर में आ जाएगा, इसका रेसिप्रोकल हो जाएगा तो क्या हो जाएगा, माइनस का 1/2 में 2 हो जाएगा, ठीक है। और f अगर आप यहाँ निकालोगे विच इज़ इन मीटर, कितनी आएगी, माइनस 0.5 मीटर। तो ये क्या चीज़ है, ये आप देख रहे हो फोकल लेंथ है, तो फोकल लेंथ हमारी निकल जाएगी माइनस 0.5 मीटर, ठीक है। और एक और चीज़ यहाँ पर पूछी गई है, क्या पूछी गई यहाँ पर, ये आ गया आपका 0.5 मीटर विच इज़ इन माइनस। माइनस फोकल लेंथ किसकी होती है, पता है कि माइनस जो फोकल लेंथ होगी नेगेटिव जो होगी वो कॉनकेव लेंस की होगी। ये पावर नेगेटिव हो या फोकल लेंथ नेगेटिव हो यही बात है, तो नेगेटिव किस केस में होती है, वो कॉनकेव लेंस के केस में होती है। तो ये नेगेटिव साइन क्या शो कर रहा है हमें, कि जो आपका पावर है वो क्या है, नेगेटिव साइन शो इट इज कॉनकेव लेंस, वो कॉनकेव लेंस है। तो ये न्यूमेरिकल आपका सॉल्व हो गया, ठीक है। आगे हम एक न्यूमेरिकल और देख लेते हैं, आपका स्फेरिकल मिरर्स का न्यूमेरिकल छूट रहा है, वो न्यूमेरिकल देख लेते हैं हम आपके एनसीईआरटी से। चलिए देखते हैं नेक्स्ट पेज पर। तो आइए उसमें से एग्जांपल देखते हैं स्फेरिकल लेंस का, ठीक है। तो इसमें एग्जांपल है आपका एग्जांपल नंबर 10.3 आपकी एनसीईआरटी की बुक में होगा। और इसमें देखना है आपको, एक कॉनकेव लेंस है फोकल लेंथ ऑफ 15 सेंटीमीटर, एक कॉनकेव लेंस है इसकी फोकल लेंथ है 15 सेंटीमीटर, ठीक है। पहली इंफॉर्मेशन मुझे मिलती है कि लेंस क्या है आपका, कॉनकेव है। दूसरी इंफॉर्मेशन हमें मिलती है कि इसका फोकल लेंथ जो है वो है 15 सेंटीमीटर। तीसरी इन्फो जो हमें मिलती है, इमेज यानी वी एट व्हाट डिस्टेंस शुड द ऑब्जेक्ट फ्रॉम द लेंस बी प्लेस्ड टू सो दैट इट फॉर्म्स एन इमेज एट 10 सेंटीमीटर फ्रॉम द लेंस, ऑल्सो फाइंड द मैग्निफिकेशन प्रोड्यूस बाय द लेंस। हमें बताना है कि 15 सेंटीमीटर आपकी फोकल लेंथ हो गई और वी आपका हो गया है 10 सेंटीमीटर, ठीक है। यू हमें इन्होंने पूछा है प्लस मैग्निफिकेशन पूछा है, ये सारी चीजें इन्होंने हमसे पूछी हैं, तो मैं नोट करके यहाँ पर लिख लिया है। तो अब हम यहाँ देखेंगे, देखो आपका फोकल लेंथ कॉनकेव लेंस की बात हो रही है, कॉनकेव लेंस आपने पता है इसके दो केस होते हैं और दोनों केस में कौन सी इमेज बनाते हैं, वर्चुअल इरेक्ट, वर्चुअल और इरेक्ट, ठीक है। दूसरी चीज क्या है, इसका फोकल लेंथ कॉनकेव लेंस का क्या होता है, हमेशा नेगेटिव होता है। तो पहले हम अप्लाई अप्लाइंग लेंस फॉर्मूला, क्योंकि हमारे पास वी और एफ यू निकालना है तो हमें लेंस फॉर्मूला का यूज पड़ेगा यहाँ पर, ठीक है। लेंस फॉर्मूला क्या होता है, 1/v - 1/u = 1/f। हमें पता है कि फोकल लेंथ कॉनकेव लेंस की नेगेटिव होती है, तो पहले हम साइंस लगा लेते हैं, उसके बाद उसको फॉर्मूले पुट करके आंसर निकालेंगे। दूसरा वी जो है हमारा वो क्या है, दे रखा है आपने लेंस दे रखा है, वी दे रखा है हमारा इमेज फॉर्मेशन, जो इमेज फॉर्म हुई है वो उसकी डिस्टेंस कितनी है, 10 सेंटीमीटर है, ठीक है। और हमें पता है कॉनकेव लेंस में जो इमेज बनती है वर्चुअल इरेक्ट बनती है और सारी की सारी इमेज से पहले यानी कि लेफ्ट साइड पर बनती है, दो इमेज बनती है वो दोनों के दोनों लेफ्ट साइड पर बनती है, इतना आपको कॉनकेव लेंस से जानकारी मिल जाती है, ठीक है। तो वी जो होगा आपका माइनस 10 सेंटीमीटर होगा, या कह लो वी और यू दोनों कॉनकेव लेंस में नेगेटिव ही होंगे, क्यों, क्योंकि यू भी आपका लेफ्ट साइड पर रखा जाता है और वी भी आपका लेफ्ट साइड पर ही बनता है, यानी इमेज बनती है आपकी भी लेफ्ट साइड पर ही आती है, और लेफ्ट साइड पर जब कैलकुलेट करते हो ऑप्टिकल सेंटर से इधर आते हो तो वो क्या हो रहा है, नेगेटिव हो जाते हैं। तो इमेज डिस्टेंस क्या होगी आपकी, माइनस होगी, और आपकी फोकल लेंथ भी क्या होगी, माइनस में होगी। तो दोनों वैल्यू अगर आप पुट करते हैं, 1/v में क्या पुट करना है हमें, माइनस 10, यू हमें निकालना है और एफ में क्या करना है, माइनस का 15, ठीक है। इसे अगर थोड़े ले जाते हैं तो माइनस का यू देखते हैं यहाँ पर, 1/2 इधर ले आते हैं इसे, तो क्या हो जाता है, पॉजिटिव हो जाता है ये 1/15, इसे ले आएंगे इधर पॉजिटिव हो जाएगा, ठीक है। तो 1/15 माइनस का 1/10 = 1/u, तो कितना हो गया आपका ये
10 हो गया 5 5 टू 10 16 150 10 3 क्या ऊपर 5 5 1 5 5 3 15 31 upon u it will come out 30 हो जाएगा तो u will come out 30 सेंटीमीटर ठीक है u कितना आ गया 30 सेंटीमीटर आ गया आपका ठीक है u आपका आ गया माइनस 30 सेंटीमीटर तो यहाँ पर माइनस 30 सेंटीमीटर पूछ रहे हैं मैग्निफिकेशन ही बताओ उसका मैग्निफिकेशन का आपको पता है कितना होता है v अपॉन में u होता है तो मैग्निफिकेशन v आपको पता चल गया कितना आ गया आपका v दे रखा है माइनस 10 पुट किया फॉर्मूले में u कितना आ गया माइनस 30 पुट किया फॉर्मूले में माइनस माइनस कैंसिल कितना आया 1/3 इसको अगर आप करोगे 0.33 प्लस में कुछ आ जाएगा ठीक है हाँ 0.33 प्लस में ये आपका क्या है मैग्निफिकेशन ऐसे लिख सकते हो आप ये आपकी क्या आ गई मैग्निफिकेशन आ गई विच इज प्लस में 0.33 इसी को यूनिट नहीं होती ठीक है तो न्यूमेरिकल हमने हैंडल किया आपका कि मैग्निफिकेशन कैसे निकालेंगे लेंस फॉर्मूला कैसे अप्लाई करेंगे ठीक है इस तरह के न्यूमेरिकल आपके क्वेश्चन पर में आ जाते हैं ठीक है तो यहाँ पर आपका चैप्टर जो है वो लाइट कंप्लीट होता है तो स्टूडेंट्स मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नए चैप्टर के साथ।